सुल्तानपुर में धनपतगंज क्षेत्र में पंचायत की बैठक में हंगामा, ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में पर जताया विरोध, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित। सुल्तानपुर लंबुआ समाजवादी पार्टी ने लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे को ब्राह्मण चेहरे के रूप में दी बड़ी जिम्मेदारी। सुल्तानपुर में शुरू हुआ विजेतुआ महोत्सव, 1008 कलश यात्रा में शामिल होंगे जगत गुरु राम वृद्धाचार्य, 5 दिन चलेगी कथा, भक्तों का लगेगा तांता। सुल्तानपुर पुलिस लाइन सभागार में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, चोरी के मुद्दे पर सीओ ने खुलासा कर दिया आश्वासन। सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, उपचुनाव पर बोले कांग्रेस डरकर भागी, सपा की नहीं आएगी एक भी सीट। सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने पराली न जलाने के संबंध में जागरूकता प्रचार वाहन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुल्तानपुर में जश्न वारिश पार्क का हुआ आयोजन, महंत धर्मदास बोले हिंदू लड़के को अत्याचार पर पुरस्कार, मुसलमान के लड़के को गोली मारो ऐसा नहीं चलता। सुल्तानपुर में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन, बलदिरे ब्लॉक के दाता करीम शाह को ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। सुल्तानपुर तथा तहसील क्षेत्र में बुल्की गांव में जिलाधिकारी ने की क्रॉप कटिंग, फसलों की कटाई कराकर उत्पादन की ली जानकारी। सुल्तानपुर विजेतुआ महावीरन धाम से निकली शोभा यात्रा, करौंदी कलक कस्बे में आरटीओ ने गाड़ियों का किया चालान, शुरू महोत्सव शुरू होने के चंद घंटे शेष, ऐसे में आरटीओ ने एंट्री ने बढ़ाई सरगर्मी। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार को ली गई परेड की सलामी एवं निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक निर्देश। सुल्तानपुर में धनतेरस दीपावली को देखते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास दुकान लगाने को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य राजकीय मेडिकल कॉलेज में शराबी ने किया जमकर जोरदार हंगामा, लोगों का लगा जमावड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत करा के किया किनारे। सुल्तानपुर के लंबुआ के दूल्हापुर गांव में चल रहे रामलीला का मंचन देख भाव के भर हुए दर्शक, बहुत मनमोह से देख रहे रामलीला। सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा के चांदा थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, मिली बड़ी सफलता। सुल्तानपुर जिले में राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की टीम भौगोलिक पर्यटन पर नैनीताल गई। सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उपचुनाव पर कहा कांग्रेस डरकर भागी। सुल्तानपुर कुड़वार में चल रही श्री भागवत कथा के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी चित्रलेखा के महापुराण की वर्षा की गई। आप देख रहे थे भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर जिले की कुछ प्रमुख खबरें। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए भोलू जहांगीर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर।